नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर के बीच में है, लेकिन अब की बार दूसरी लहर जैसा हाहाकार नहीं है और इस बार कोरोना की लहर भी बहुत ज्यादा लंबी नहीं खिंचेगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का दावा है जो अब तक के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। मुंबई में तो पिछले 5 दिनों से कोरोना केस लगातार कम हो रहे हैं, हालांकि दिल्ली में केस अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से तीसरी लहर की शुरुआत में बढ़े थे। इसके बाद अब दिल्ली में भी 3-4 दिन के अंदर तीसरी लहर के डाउनफॉल का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर्स आर आल्सो गेटिंग इन्फेक्टेड। 75 स्टाफ ऑफ डॉक्टर्स एंड 60 नर्सेज, 15 टेक्नीशियंस आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। दिल्ली पुलिस के 1700 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और जवान पिछले 12 दिनों में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अगर 1 जनवरी से 12 जनवरी की बात करें तो दिल्ली पुलिस के कुल 1700 पुलिसकर्मी जो है वो अभी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में आप ये देख पा रहे हैं तमाम जो पुलिसकर्मी हैं लाइन लगाकर जो बूस्टर डोज है वो लगवा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर कोरोना विस्फोट हो चुका है, जहां काम करने वाले 40 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने चरम पर पहुंच रही है। मंगलवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 25% के पार हो चुकी है, जो 25 मई के बाद सबसे ज्यादा है। 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई, जो 16 जून के बाद सबसे ज्यादा मौत है। एक्टिव मामलों की संख्या 74,881 से ज्यादा है, जो 13 मई के बाद करीब 8 महीने में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार की स्टडी करके एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में अब बस तीसरे लहर का पीक आने ही वाला है। मेरा ये मानना है कि थर्ड वेव डेफिनेटली दिल्ली में तो है ही, बट दूसरी बड़ी बड़ी जो मेट्रोपोलिस हैं, बड़ी सिटीज, उनमें भी ऑलमोस्ट आया हुआ है, लाइक बॉम्बे या बैंगलोर वगैरह। शायद चेन्नई में कम है, बट अभी बाकी मेट्रोपोलिस में आया हुआ है और अगले कुछ हफ्तों में, शायद जनवरी में ही ये सारे देश में फैल जाए। दिल्ली में 3 से 4 दिन के अंदर पीक आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि अब दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट स्थिर हो चुका है। इसके बाद उसके गिरने की उम्मीद है, जैसा कि मुंबई में होना शुरू भी हो चुका है, जहां लगातार 5 दिन नए मामलों में काफी कमी आई है। मुंबई में 7 जनवरी को कोरोना के 20,971 केस मिले थे, जो 8 जनवरी को 20,318 रह गए। 10 जनवरी को डेली केसेस 13,648 हो गए। 11 जनवरी को 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए। मुंबई का पॉजिटिविटी रेट अब 18.75% हो चुका है, जो 5 दिन पहले 30% था। मुंबई में कमजोर होती कोरोना की तीसरी लहर के ट्रेंड ने दिल्ली को भी उम्मीद बधाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में भी जल्द ही केसेस कम होने की संभावना है। देखो, पहले बहुत तेजी से हर रोज बढ़ रहे थे एडमिशंस, रेट ऑफ एडमिशन जिसे कहते हैं ना, एडमिशन रेट ऑफ एडमिशन वाज इंक्रीजिंग। अब वो स्टैग्नेंट हो गया है, बिल्कुल बराबर हो गया है, लगभग सेम एडमिशन रोज हो रहे हैं। तो जैसे ही मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर ऐसा ट्रेंड देखने को मिलेगा कि हॉस्पिटल एडमिशंस कम होंगे, तो हॉस्पिटल एडमिशन कम होंगे तो दिस इज एडवांस इंडिकेटर। बाकी आपके नंबर्स हैं या पॉजिटिविटी है, वो थोड़ा लेट इंडिकेटर्स होते हैं। हॉस्पिटल एडमिशन सबसे मेन इंडिकेटर वही होता है, तो हॉस्पिटल एडमिशन जो रुक गए हैं, बढ़ने बंद हो गए हैं, अब लगता है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये डाउन आना स्टार्ट हो गया। पहले तो हम एक्सपेक्ट करें कि केस कम होंगे, इसकी सीवियरिटी कम होगी, रेस्ट्रिक्शंस भी जरूर उसके बाद कम होंगे, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2-3 दिन में, 4 दिन में ये जरूर डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट होगा। मुंबई में तेजी से कम होते केसों ने दिल्ली वालों के लिए भी उम्मीद की किरण जगाई। ऐसी ही एक उम्मीद ब्रिटेन से भी मिली है, जो अपनी तीसरी लहर का पीक देख चुका है। ब्रिटेन में जहां 4 जनवरी को एक दिन में रिकॉर्ड 2,18,000 नए केस थे, अब ये आंकड़ा हर दिन उतार पर है। ब्रिटेन में रविवार को कोरोना के 1,42,000 नए मामले आए। पिछले एक हफ्ते की तुलना में रोजाना होने वाले संक्रमण की दर करीब 18% गिरी है। एक खास बात यह भी है कि ब्रिटेन की सरकार ने
तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन के बजाय वैक्सीनेशन को बढ़ाने पर जोर दिया। लंदन में हर एक वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक टेस्टिंग सेंटर अनिवार्य किया गया। इसके अलावा एट होम ट्रीटमेंट की सुविधा को बढ़ाया गया। वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ाने के लिए बिना सर्टिफिकेट के सार्वजनिक जगहों पर एंट्री बंद कर दी गई। इस कदम से ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 82% से ऊपर जा चुका है और बूस्टर डोज ड्राइव बढ़ाई गई। संक्रमण में आई कमी को देखते हुए सरकार ने आइसोलेशन की अवधि को 7 दिन से घटाकर 5 दिन करने का निर्णय लिया है। वैक्सीनेशन पर ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों की स्टडी ने साबित किया है कि तीसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोग फायदे में। न्यूयॉर्क सिटी ने, जो कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, उस डेटा में उन्होंने मार्च मई के महीने से लेकर अब तक वहां पर आने वाले केसेस, जिसमें कितने केसेस वैक्सीनेटेड थे, कितने नॉन वैक्सीनेटेड थे और उनमें से कितने केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन करने की आवश्यकता पड़ी, उस डेटा को एनालाइज करके बताया है कि अगर आपने वैक्सीनेशन कराया हुआ हो विजावी पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड, तो आपके इन्फेक्शन के चांसेस इस डेटा के द्वारा पता लगता है कि 78% कम हैं। दूसरा डेटा उन्होंने एनालाइज करके बताया है कि फुली वैक्सीनेटेड लोग जो हैं उनको 90-95% लोअर चांसेस ऑफ गेटिंग हॉस्पिटलाइज कंपेयर टू अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन। अन्य देशों के डेटा और भारत में तीसरी लहर के चाल चलन से एक बात तो कंफर्म होती है कि अगर वैक्सीनेशन पर और ज्यादा जोर दिया जाए और नियमों का पालन किया जाए तो कोरोना की तीसरी लहर से जल्द ही पार पाया जा सकता है। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 47,000 के पार केस आए हैं। मुंबई से 16,420 केस आए हैं, जो कल से लगभग 40% ज्यादा है। मुंबई के साथ पुणे, नासिक आदि शहरों से कोरोना के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। मुंबई में पिछले 4 दिन से जिस तरह से कोरोना के नए आ रहे केस घटने लगे थे, उसे लगने लगा था कि कहीं मुंबई में तीसरी लहर का पीक तो नहीं निकल गया, पर गुरुवार को जवाब मिल गया। मुंबई में 24 घंटे में 16,420 केस आए हैं। दरअसल मुंबई में 7 जनवरी को सबसे ज्यादा केस आए थे, उसके बाद से केस कम होने शुरू हो गए थे। जनवरी को मुंबई में 20,971 केस आए, 8 जनवरी को 20,318 केस आए, 9 जनवरी को 19,474 केस आए, 10 जनवरी को 13,648 केस आए, 11 जनवरी को 11,647 केस आए। लगातार जिस तरह से ये केस घटे, उससे गुरुवार को आंकड़ों का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, मगर गुरुवार को मामले 16,420 आए। मुंबई में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 23% से 18.5% पर आ गया है, पर अब सरकार के मुताबिक ये रेट बढ़ेगा, क्योंकि 2 दिन पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई आई कोविड टेस्टिंग गाइडलाइंस के मुताबिक केवल सिम्टोमेटिक मामलों में ही जांच की जाएगी, जिनके पॉजिटिव होने की काफी आशंका रहेगी। इस फैसले को लेकर बीएमसी की तरफ से कहा गया है कि अभी शहर में बड़े पैमाने पर लोग सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट लेकर जाते हैं, लेकिन पॉजिटिव आने के बाद बीएमसी से जानकारी छुपाते हैं। इसलिए अब नियम बनाया गया है कि जो भी सेल्फ टेस्टिंग किट से टेस्ट करेगा, वो अगर पॉजिटिव आया तो लोकल बीएमसी वार्ड मेंबर के साथ जानकारी शेयर करनी होगी। वैसे अभी तक बीएमसी के लिए राहत की बात यह है कि गुरुवार को भी मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए रखे गए सिर्फ 18% बेड ही भरे हुए हैं। उदाहरण बतौर देखें तो बुधवार को मुंबई में कोरोना के 11,647 केस आए, इनमें से 83% असिम्प्टोमेटिक थे और सिर्फ 851 मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी, जिनमें से 76 को ऑक्सीजन सपोर्ट लेना पड़ा। बुधवार को मुंबई में 62,097 टेस्ट हुए थे और इस दिन 967 बेड खाली भी हुए। मुंबई में 1,00,000 से ऊपर एक्टिव केस हैं। मुंबई का रिकवरी रेट 87% है। इस समय मुंबई में 83 बिल्डिंग सील हैं, जबकि एक भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। मुंबई में अगर किसी बिल्डिंग के 20% फ्लैट में रहने वाले संक्रमित हो जाएं या फिर बिल्डिंग में कम से कम 10 लोग
कोरोना से संक्रमित हो तो उसे सील कर दिया जाता है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के करीब 46,000 केस आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में केस कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए नागरिक प्रतिबंधों में रियायतों की अपेक्षा ना करें। पर राहत की बात यह है कि 86% एक्टिव केस गंभीर नहीं है और सिर्फ 0.32% मामलों में ही वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर कल परसों हो सकता है कोई संडे के वजह से हो या कोई केसेस एक आधे बार थोड़ा बहुत टेस्ट कम ज्यादा होने के वजह से हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि केसेस कम हुआ है, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज 46,000 केसेस में करीबन पॉजिटिविटी रेट जो आज दिख रहा है वो महाराष्ट्र का 21.4% पॉजिटिविटी रेट है, मुंबई में भी 27% पॉजिटिविटी रेट है। यह सब बिल्कुल स्टैटिस्टिकली भी, यानी जो भी आंकड़े हैं उससे निश्चित तौर पर कोई डरने की आज स्थिति इसलिए नहीं है कि संख्या बढ़ रही है, ये मैं जरूर मानता हूं, लेकिन जो हॉस्पिटलाइज केसेस हुए हैं उसका पूरा मिला के जो प्रमाण है वो है 2.8% टोटल जो सीरियसली हॉस्पिटलाइज हुए केस है। कुल मिला के जो केसेस है हमारे महाराष्ट्र में 2,25,000 केसेस है, उसमें से करीबन 2,00,000 केसेस घर पे और सीसीसी सेंटर्स में, यानी एकदम माइल्ड तरीके से लोगों के इसमें है, जिसका परसेंटेज आता है 86%। मुंबई की मेयर ने एक बार फिर लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मेयर के मुताबिक फरवरी 2021 से अब तक जितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है उनमें 94% वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन डोज नहीं ली थी। परंतु मुंबई कराना मी विनंती करें कि प्रत्येकाने वैक्सीन घ्या। लस घेणाऱ्यांना जरी त्याचा प्रादुर्भाव झाला तरी तो सौम्य आहे, कारण 2021 फेब्रुवारीपासून ते अगदी या चालू आठवड्यापर्यंत आपण पाहिलं तर 94% जो मृत्यू आहे तो लस न घेणाऱ्यांमधला आहे, याच्यामुळे जास्तीत जास्त काळजी वाटते। म्हणूनच महाराष्ट्र सरकार गुरुवार को पीएम मोदी से राज्य के लिए और वैक्सीन आवंटित करने की अपील करेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र में कोवैक्सीन कम हो गई है क्योंकि इसे प्रिकॉशन डोज के तौर पर दिया गया। महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में आप कह सकते हैं कि कंसर्न इस चीज को लेकर के है कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट जो बढ़ रहा है उसे नियंत्रण में किस तरह से रखा जाए। रिस्ट्रिक्शंस की अगर आप बात करें तो महाराष्ट्र में और मुंबई में ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस वक्त नहीं लगाए गए हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो दूसरे स्टेट से बाय रोड महाराष्ट्र के बॉर्डर से एंटर कर रहे हैं उन्हें 72 आवर्स के अंदर का आरटीपीसीआर टेस्ट, नेगेटिव टेस्ट जो है वो कंपलसरी किया गया है। तो आप अगर पूरे दृश्य पर नजर डालें तो महाराष्ट्र सरकार का यही मानना है कि केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उतनी तेजी से हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ रही है और इसीलिए फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगाया गया है। सारी चीजें शुरू है ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहे, लेकिन आने वाले 10 दिनों में ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि क्या केसेस इसी तरह से बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उस हिसाब से हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगा और फिर आने वाले दिनों में रिस्ट्रिक्शंस के बारे में विचार किया जा सकता है। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सम्राट अशोक से जुड़े सबसे बड़े विवाद की। वरिष्ठ लेखक और नाटककार दया प्रकाश सिन्हा ने दावा किया है कि सम्राट अशोक औरंगजेब जैसे थे क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की तरह अपने भाइयों को मरवाया और पिता को कारावास में डाला। सम्राट अशोक पर इन बयानों से बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जिन सम्राट अशोक के स्थापित चक्र को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया गया, क्या उनकी औरंगजेब से तुलना की जा सकती है? क्या सम्राट अशोक ने औरंगजेब की तरह अपने भाइयों की हत्या करवाई थी? अखंड भारत के निर्माता माने जाने वाले सम्राट अशोक पर इन सवालों की वजह पद्मश्री से सम्मानित दया प्रकाश सिन्हा है। दया प्रकाश सिन्हा एक लेखक और नाटककार हैं, जो अपने नाटक सम्राट अशोक की वजह से विवादों में आ गए हैं। एक इंटरव्यू में दया प्रकाश सिन्हा ने कहा
कि जब मैं सम्राट अशोक पर नाटक लिख रहा था तो रिसर्च के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ कि सम्राट अशोक और मुगल बादशाह औरंगजेब के चरित्र में बहुत समानता थी। दोनों ने जीवन की शुरुआत में पाप किए और उसे छिपाने के लिए अति धार्मिकता का सहारा लिया। दोनों ने अपने भाइयों की हत्या की और अपने पिता को कारावास में डाल दिया। अशोक का चरित्र बहुत ही रोचक है। उसने अपनी पत्नी को जला दिया था क्योंकि उसने एक बौद्ध भिक्षु का अपमान किया था। सम्राट अशोक के बारे में दया प्रकाश सिन्हा की इस विवादित टिप्पणी का बिहार में विरोध होना शुरू हो गया है और उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग भी हो रही है। सम्राट अशोक के बारे में इससे पहले किसी भी साहित्यकार ने ऐसी टिप्पणी नहीं की है, इसीलिए अशोक को बहुत बदसूरत और कामुक बताने के दावों को कई इतिहासकार खारिज करने लगे हैं। सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करना अत्यंत ही हास्यास्पद प्रतीत होता है। सम्राट अशोक को एशिया ही नहीं बल्कि पूरे संसार का सर्वश्रेष्ठ सम्राट माना जाता है। प्रियदर्शी अशोक इसलिए हो गया कि उसका रूपांतरण हुआ जब वह बौद्ध भिक्षुक हो गया। उसके बाद उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए, जो परिवर्तन औरंगजेब के जीवन में नहीं आया था। भारत में सम्राट अशोक के शासनकाल को स्वर्णिम माना जाता है, इसीलिए उनके बारे में की गई इन टिप्पणियों ने एक बड़े विवाद को जन्म दे दिया। सुजीत झा, पटना, आज तक। गरीबी और पिछड़ापन कम करने के लिए बिहार से झारखंड को अलग किया गया, लेकिन जुदा होने के इतने सालों बाद भी दोनों राज्यों की तस्वीर बदली नहीं है। झारखंड को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बेरोजगारी के मामले में हरियाणा और राजस्थान के बाद तीसरे स्थान पर रखा है तो बिहार को चौथे पे। झारखंड में बेरोजगारी दर 17.3% है तो बिहार में 16%। जो झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, जो झारखंड 5 लाख रोजगार हर साल के वादे को सुनकर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाता है, उस झारखंड में एम्प्लॉय एक्सचेंज क्यों सुनसान पड़े हुए हैं? ये सवाल हमने रांची से 60 किलोमीटर दूर सिल्ली में रहने वाले परमानंद महतो से किया, जो पिछले 3-4 साल से डिप्लोमा करने के बावजूद इसी तरह बेरोजगार घूम रहे हैं। डिप्लोमा है, पास आउट। डिप्लोमा है? हाँ। कितने दिन से पास आउट है? 2015 बेच के थे। अभी तक जॉब कहीं नहीं लगा? नहीं लगा है, वही सिलसिला में आए हुए। झारखंड में 7,32,000 से ज्यादा बेरोजगार है, जबकि सरकार के अलग अलग विभागों में 3,29,000 पद रिक्त पड़े हैं। सबसे ज्यादा 1,04,000 पद स्कूली शिक्षा विभाग में रिक्त हैं, तो गृह विभाग में 73,938 पद खाली पड़े हैं। तीसरे नंबर पर स्वास्थ्य विभाग है, जहां 35,322 पदों पर नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीद है कि कुछ होगा, यहां से नौकरी वगैरह लगेगा? हाँ, उम्मीद है, इसीलिए तो आए हैं। 2019 के चुनाव में बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। 2 साल बाद भी वो रोजगार को अपनी प्राथमिकता बताते हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल पर चूक जाते हैं कि जिस राज्य में देश के कुल खनिज संपदा का 40% हिस्सा हो, वहाँ इतनी बेरोजगारी क्यों है? राज्य सरकार को जब इसकी चिंता ही नहीं है कि हमारे झारखंड के नौनिहालों को रोजगार मिले, छात्र छात्राओं को, जो एक बड़ी फौज पढ़ लिख कर खड़ी हो रही है, उनको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट कराए, इस दिशा में सरकार का कोई योजना है? सरकार तो होर्डिंग्स लगाने में व्यस्त है। पिछले 5 वर्षों तक झारखंड में डबल इंजन की सरकार रही और पूरे राज्य को गर्त में ढकेलने का काम किया। अब उसका दंश पूरा राज्य झेल रहा और 2 वर्षों में पिछले 1.5 वर्ष कोरोना में निकल गए हैं, तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2021 को हेमंत सोरेन सरकार ने नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाया, मगर पूरा साल गुजर जाने के बावजूद दावा है कि नियुक्ति नहीं हो पाई। उल्टे झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा में अनियमितता के इल्जाम से सरकार की बदनामी हुई। परीक्षा रद्द करने को लेकर बीजेपी और प्रदर्शनकारी छात्रों से सरकार की भिड़ंत भी हुई। इस सारे विवाद से उन लोगों की नियुक्ति पर भी अड़ंगा फंस गया जिन्होंने इम्तिहान को पास कर लिया। ऐसे ही एक नाराज बेरोजगार देवेंद्र ने जेपीएससी का अंतिम संस्कार कर अपने सिर को ही मुड़वा लिया। जो जेपीएससी देख रहे हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा और कचरा का डब्बा बन गया है, इसलिए ये
इसका हत्या हो गया इसका। हम लोग 60-65 दिन लगातार कड़की ठंडा में हम लोग आंदोलन किए, लेकिन ये सुना नहीं, तो सुनेगा कहाँ? इसका हत्या हो गया है। आखिर कितने दिन ये सवाल यक्ष प्रश्न बन गया है पेरेंट्स के सामने, और इसको लेकर वो बेहद चिंतित हैं कि आखिर कब रोजगार मिलेगा झारखंड में, एम्प्लॉयमेंट का विस्टा कब खुलेगा, एम्प्लॉयमेंट का द्वार कब खुलेगा, और बेरोजगारी दर जो आसमान छू रहा है महंगाई की तरह, वो कब नीचे आएगा। सरकार से निराशा बेरोजगारों को झारखंड हाईकोर्ट ले गए, जहां करीब 16,000 पदों पर बहाली के मामले लंबित हैं और बेरोजगारों के नसीब में इंतजार ही आ सका है। झारखंड की तरह बिहार में भी नौजवान अपनी नियुक्ति के लिए भटकने को मजबूर है। भागलपुर के नीलेश और समस्तीपुर के सुजीत का चयन बिहार राज्य कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन के विभिन्न पदों के लिए हो चुका है। पिछले साल जून में रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन पिछले 6 महीने से नियुक्ति के इंतजार में दिन बीत रहे हैं। एक तो नियुक्ति नहीं आती, नियुक्ति आती है और तो एग्जाम कैंसिल होता है, और एग्जाम निकालने के बाद आज हम लोग अपने नियुक्ति के लिए बार बार भटक रहे हैं। हम लोग का तो सर रिजल्ट भी हो चुका है, 6 महीना से सर हम लोग नियुक्ति के लिए सर भटक रहे हैं। हम लोग अपने विभागीय मंत्री से भी कई बार मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम करवा रहे हैं सर। उनका जो सबसे आखिरी स्टेटमेंट था कि हम 31 दिसंबर तक आप लोग का ज्वाइनिंग करवा देंगे, लेकिन अभी तक सर कुछ भी ऑफिशियल जो है वो कुछ भी नहीं आया है सर। देश का कोई भी राज्य हो, नौजवान या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर काटता है या फिर परीक्षा पास करने पर भी अपनी नियुक्ति का इंतजार करता है। यानी भारत में नौजवानों को बेरोजगारी का तमगा उतारने के लिए कई बार अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कैमरामैन राकेश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने 10 एजेंडे के साथ उतर गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और दावा किया कि पंजाब में बदलाव की बयार बह रही है। दिल्ली में सत्ता का स्वाद चखने वाली आम आदमी पार्टी पंजाब में जोर लगाए हुए है, क्योंकि उसे लगता है कि अब की बार पंजाब में झाड़ू वालों की सरकार आनी तय है। तो अरविंद केजरीवाल ने आज अपने घोषणा पत्र को पंजाब के सामने रख दिया। 10 एजेंडे जिनके सहारे केजरीवाल पंजाब फतह करना चाहते हैं। पहला एजेंडा होगा रोजगार का, दूसरा एजेंडा नशे से मुक्ति का, तीसरा एजेंडा होगा कानून व्यवस्था दुरुस्त करना, चौथा एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना, पांचवा एजेंडा शिक्षा में सुधार का होगा, छठा स्वास्थ्य सेवा में सुधार होगा, सातवां एजेंडा 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का है, आठवां एजेंडा महिलाओं को 1,000 रुपए देने का है, नौवां कृषि सुधार का एजेंडा है और 10वां एजेंडा बिजनेस फ्रेंडली गवर्नेंस का होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाएंगे जैसे भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाई है। 7वां बिजली, आज बिजली प्रोड्यूस करता है पंजाब, उसके बावजूद बिजली के पावर कट लगते हैं, लंबे लंबे पावर कट लगते हैं। बिजली सबसे महंगी है आज पंजाब के अंदर। दिल्ली के अंदर जैसे हमने 24 घंटे बिजली की, फ्री बिजली की, ऐसे पंजाब में भी बिजली फ्री भी करेंगे और 24 घंटे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत ही इस बात से की थी कि वो ईमानदार पार्टी है। पैसे लेकर टिकट बेचने या खरीदने के आरोपों के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, सुनिए। मिशन पंजाब को मुमकिन बनाने के लिए निकल पड़े हैं केजरीवाल। अपने 2 दिन के दौरे की शुरुआत में ही उन्होंने चन्नी सरकार पर जोरदार हमला बोल दिया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, बेअदबी के कांड हो रहे हैं, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी का ब्रीच हो रहा है, तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। चन्नी सरकार उसको हैंडल नहीं कर पा रही है। लोगों के मन में अब बड़ा एक सहमी सी है जनता। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, हम जनता को विश्वास दिलाते हैं कि कानून व्यवस्था को अच्छा करेंगे। इस बार आम आदमी पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। 117 विधानसभा सीटों पर दंगल है। पिछले चुनावों में पार्टी 20 सीटें जीत कर अपनी पकड़ को दिखा चुकी है। अब पार्टी को उम्मीद है कि पंजाब में झाड़ू चलेगी और केजरीवाल का सियासी जादू बोलेगा। पंजाब एक आवाज में कह रहा है कि हमने 26 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार देखी, 24 साल शिरोमणि अकाली दल की सरकार देखी, और इन दोनों सरकारों ने पंजाब को लूट लिया, बेच खाया। अब एक मौका बदल को, एक मौका केजरीवाल को,
एक मौका आम आदमी पार्टी को। ये मूड है पंजाब। लेकिन सवाल है कि पंजाब में आपका एजेंडा चलाने के लिए वो चेहरा कौन होगा। अब तक खबरें आती रही हैं कि भगवंत मान को आम आदमी पार्टी अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाएगी। माना जा रहा था कि चंडीगढ़ दौरे पर केजरीवाल इसका ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने फैसले को अगले हफ्ते तक टाल दिया है। चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी पहले ही बता चुकी है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने खुद पंजाब की आवाम को ये कहा है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में अपना सीएम कैंडिडेट 2022 के इलेक्शंस का अनाउंस करके ये वाला चुनाव लड़ेगी। और इलेक्शंस अब अनाउंस हो गए हैं, लगभग एक महीना बचा है इलेक्शंस में, तो बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान करेगी। इस बार पंजाब में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि सियासी समीकरण तेजी से बदले हैं। कैप्टन अमरिंदर बीजेपी के साथ हैं, अकाली दल का बीजेपी से रिश्ता खत्म हो चुका है, तो राज्य के मुख्यमंत्री चन्नी अपने वादों से पंजाब को लुभाने में जुटे हैं। वहीं सिद्धू केजरीवाल पर हमलावर है और ये कड़ी जुबानी जंग के रूप में सुनाई दे रही है लड़ाई। तक की सबसे ज्यादा विरोध उन्होंने केजरीवाल साहब की उस अनाउंसमेंट का करा जिसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम पंजाब की हर महिला को 1,000 रुपए का मुआवजा, 1,000 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंस हर महीने देंगे। और उसका विरोध करने के बाद कुछ ही हफ्तों बाद खुद यही अनाउंसमेंट कर देते हैं कि हम 2,000 रुपए हर महिला को देंगे। तो पंजाब में आज के समय एक नई कहावत बनी है कि साइकिल का भी स्टैंड होता है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू साहब का कोई स्टैंड नहीं। पंजाब में किसकी जीत होगी, किसे जनमत का साथ मिलेगा, इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा। लेकिन उससे पहले केजरीवाल के 10 सूत्री एजेंडे से राज्य की राजनीति धारदार हो गई है। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू और सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो।